हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम पढ़ने वाले हैं रोजेन मुंड विक्रिया यह अभिक्रिया भी और सभी अभिक्रियाओं की तरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं हमारी जो हेडिंग है वो रोजेन मुंड अभिक्रिया। और विक्रिया और हमसे कह रहे हैं बहर आसानी का जो इसकी डिफिनेशन है बहर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्लोराइड की जिसमें अम्ल क्लोराइड की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं जिसमें अम्ल क्लोराइड की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तब एल्डिहाइड बनता है तब एल्डिहाइड बनता है यह क्रिया पी डी ऑब्लिक बी एस ओ फोर की उपस्थिति में होती है यह क्रिया किसकी उपस्थिति पी डी ऑब्लिक बी एस ओ फोर की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया बहर एक बार और देखते हैं बहर रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्लोराइड की हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं एल्डिहाइड बनता है यह क्रिया पीडी ऑब्लिक बी एस फोर की उपस्थिति में होती है अब देखते हैं इसकी रिएक्शन हमसे कह रहा है कि अम्ल क्लोराइड क्या अम्ल क्लोराइड सी एस थ्री सीओ सी एल प्लस और साथ में क्या हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं किस से हाइड्रोजन से एच टू और उपस्थिति किसकी है पी डी ऑब्लिक बी एस ओ फोर और बन क्या रहा है एल्डिहाइड सी एच थ्री सी एच ओ प्लस बचेगा क्या एच सी एल इसे बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड एसिटिल इसे बोलते हैं हाइड्रोजन एच टू और ये उपस्थिति पी डी ऑब्लिक बी एस ओ फोर की इसे बोलते हैं एलडेहाइड इसे बोलते हैं एसिटे एलडेहाइड सीधा सीधा नाम है इसका एस्टेल और ये होती है हाइड्रोक्लोरिक गैस कुछ लोग कहेंगे भैया यहाँ पर आपने क्लोराइड लिखा था यहाँ एसिडिल क्लोराइड कर दिया तो हाँ क्लोराइड को ही क्लोराइड भी कहते हैं अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मिलते हैं अगली वीडियो में